इस्लाम में रहने का मौका नहीं कर सकता। लेकिन जब 20 साल की कसवात ऐसी पड़ी कि मैं हाजिर हो गया। आज के प्रोग्राम भी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि इसके तमाम जो जरूरी मौजूदात में वो नाम का वसीता गया है। मेरे तो पहले तनावर के बारे में गुफ्तगू हुई। अगर इस वक्त आज के दिन दे तरबेला डैम और खलाबाट और तरबेला और इस इलाके की जो सकाफत है वो आज की मौजूदात ऐसा ना होती तो मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी कमी रह जाती। असी वो लोग हाँ जिन्हें तरबेला डैम बनते हो देखे है। असी उस वक्त स्कूलों के स्टूडेंट हाँ और साढ़े सामने एक बहुत बड़ा ये वाकया पेश आ गया कि जी तरबेला डैम तकमील होने वाली और सारे लोग नोटिस जारी हो गए कि तुसी अपने घर छोड़ो अपन जमीन छोड़ो अपने बागात छोड़ो अपना रस्म रवाज हर चीज और ऐसी नाकाबिले यकीन सूरत आ रही कि किसी अंदाजा ही नहीं हो रहा है कि पानी लोग जिस वक्त बाहर निकलते देखते कितने साढ़े आबादियां देखते बड़े बड़े पहाड़ ने और आपस में ठठे और मजाक करो कि इन्होंने पहाड़ों को पानी किस तरह तरप के आ सकता बिल्कुल एक नाकाबले यकीन की सूरत आई और उस वक्त अजकल जो सूरत हाल है कि पार्टिसिपेटरी प्रोसेस मीटिंग होंगे ने और आवाम में शरीक किया जाता है मशावरत होती है उस वक्त के निजाम में ये चीज़ें नहीं हैं। चंद लोग होंगे जो डीसी साहब नाल मीटिंग करते या इंतजामिया नाल मीटिंग करते हो वो गल जी अगे आदि हैं लेकिन बहुत अधूरी फार्म है। इस वजह नाल आवाम की सतह पर इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा लैल भी मौजूद है कि तरबेला डैम का सिलसिला किस तरह साढ़े चार किस तक के लोग बहुत ही ज़्यादा इस वक्त लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रसाई उस वक्त याद किया जो पीढ़ी तक होती है जो ये 84 याद के लोग आफर की गई कि तुम जी पंजाब में जमीन करो तो लोगों ने बिल्कुल इसमें दिलचस्पी का इजहार ही नहीं क्योंकि पंजाब तक रसाई बहुत घट लोगों ने कारोबारी मामला ज्यादा से ज्यादा हाईकोर और पीढ़ी नाल वाबस्ता है। इस उत्ते भी कुछ लोगों की बहुत ज्यादा पुरजोश ना चीज सामने आई। फिर जो लोग नोटिस जारी किए गए जी कि ओवरसीयर आ गए तरबेला डैम के ओवरसीयर इंजीनियर और बड़िया बड़िया टीम आई शुरू हुई ग्रामा बच्च कि जी असं थोड़े घर दरमाइशा कर सौ पैसे मिल सौ और इस तुम बाद नवी कर अपन जगह बढ़ा सौ। इस उत्ते भी लोगों का कोई मुश्तरका लाए अमल सामने ना आ सकया। वेलफेयर वेलफेयर आखिरकार ही होया कि मैं अच्छी तरह याद है कि अभी ISSB के सिलसिले में मैं क्वार्ट की तरफ गए थे वापस आया तो नजर पे जो पानी एक समुद्र की तरह साढ़े इलाके की तरफ आ रहा है और ये बड़ा खौफनाक मंजर है कि किस तरह ये पानी जो है पूरे पूरे देहात जो ने ना अपनी लपेट में जाके यकीन करो या इस गल सोचने तो अस हैरान हो जाने कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट चढ़ाया लेकिन कितना अधूरा प्रोजेक्ट है कि जिस पे लोग उस तरह शरीक नहीं किया गया है कि जिस पे इनखला और माइग्रेशन के लिए इस अंदाज में मुकम्मल हो कि लोग तकलीफ घट तो घट हो ये कोई सूरत आ गई। फिर असा वो दिन भी याद है कि हेलीकॉप्टर के जरिए पंफलेट लीफलेट फेंके गए कि खबर डूब रहा है और उसका पता ही चलिया जी कि उसे बहुत सारे घराने जो बहुत सारे घर डूब गए ने और पानी की लपेट आ गए ने। फिर आर्मी ऑपरेशन होया किश्तियों के जरिए वो लोग जो किसी होरी जगह शिफ्ट किया गया। मेरे मोहतरम सामीन और इस मजलिस के जो ऑर्गेनाइजर ने उन्हें अगे मैं ये मंजर बयान ना कर सकता कि खलाबाट तरबेला ये कितने खूबसूरत इलाके इसके बागात खलाबाट के बागात का अगर अब भी तस्करा करें तो कई उसे असं बिलाशुबा आखने के सैकड़ों बागात और वो माल्टा जो असं कल एक नैट पर देखते हैं कि अमरीका पे रेड ब्लड माल्टे की कीमत चली है पता नहीं कितने डॉलर दर्जन है। खलाबाट पे इतना आम है कि असं जिस वक्त उतों खलाबाट उजड़िया है या खलाबाट का इनकलाब है 3 रुपये साखर है सैकड़ों माल्टा और वो बागात न भरे दा एक इलाका सरसब्ज शादाब उस तो इलावा उत्थे दे स्कूल उत्थे दा कल्चर अज खुवातीन की पार्टिसिपेशन की गल होंदी है हर ईद उत्ते एक मर्दा दा बहुत बड़ा मेला दाड़ी लगता होंदा फिर
बहुत बड़ा मेला ख्वातीन का लगता है ईद के तीसरे दिन, और वो इलाका हर लिहाज न तहजीब के लिहाज न तमदन के लिहाज न और इतना जबरदस्त उसे का कल्चर है और अमन भी बहुत ज्यादा है। तरबेरे का इलाका, खलबड़ का इलाका, ये मुकम्मल तौर पर 84 देहात जिन्हें अंदर सकूल कॉलेज तो कोई नहीं है, कॉलेज तो एक ही है लेकिन बेशुमार सकूल है, बच्चों की तालीम के अदारे और उस पर सब कुछ जो चीज़ा मौजूद हैं जो किसी तरक्की से जरूरी है। लेकिन ये सत्तों में आवाज बुलंद होनी शुरू हो गई कि तरबेरा डैम का प्रोजेक्ट जो है इसके नतीजे पर तो सारे इलाके जो ने लोग छोड़ने बस, लेकिन लोग इस गल से मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं आ रहा है कि काम कदों कंप्लीट हो। बहरहाल 74 का साल आ गया जिस पर ऑपरेशन जोड़ा शुरू हो गया और इस पर उस जमाने में अगर किसी की तारीफ की जा सकती है तो वो उस वक्त गवर्नर आजाद मोहम्मद खान शेरपाओ है जिस तरह आवाम दोस्ती का यह हाल है कि जो उस देखा कि लोग अपने घर अपने आबाओ अजदाद दबर और अपन मस्जिद अपने इलाके नहीं छोड़ना चाहते तो उस एक बड़ा जबरदस्त अज भी सोचने कितना बड़ा उस ऐलान किया कि तुसा अपने घर दिटा दीवार अपनी लकड़ियाँ अपन खिड़कियां अपन दरवाजे हालांकि गौरमेंट उन्होंने पैसा दे चुकी है तो तुम ये सारा मान लो कोई ना तुम ना ले जाओ। उस नतीजे में एक तब्दीली आई कि लोग अपने घर जोड़े ने भरने शुरू कर दिए और साढ़े खलबड़ एक रफीक खान ने तो आते ये मौलवी आते ने क्यामत देर ना दसी क्यामत तो सामने आ गई कि एक अगर वालदा का कार है तो उसकी औलाद उसकी मदद नहीं कर रही, प्रभु की मदद भरा नहीं कर रहे क्योंकि हर आदमी अपना अपना कार अपना अपना कार कबाड़ जो है वो सब क्या कर दिया और शिफ्ट करने का सोचते हैं। इसी तरह बागात के बारे में आजाद खान शेरपाओ साहब है गवर्नर साहब उन्होंने ऐलान कर सकता कि सारिया लकड़ियाँ कटो और इन्हें ना ले जाओ। इस ऐलान तो बाद असा आजाद लेके एक तब्दीली आई और उसे जो आबादियां जुड़िया ने वो आस्ता आस्ता उखड़निया शुरू हो गया और आबादियां जुड़िया ने वो अपने हथों तो खत्म होनी शुरू हो गया। लेकिन इसके सारा अमल जोड़ा है बड़ी जज्बाती तरीके मुकम्मल हो रहा है, लोग अपने घर अपन दुकाना अपने उजरे अपने बागात फिर भी छोड़ने से तैयार नहीं है गवर्नमेंट की तकलीफात के बावजूद भी। फिर एक फौजी ऑपरेशन होया जिसमें हर इलाके के अंदर फौज आ गई और उसने ट्रक कही दिते कि तुम इन्होंने समान लदो और वैगन कही दिखा जिसमें अपने बच्चे और पाती लोड करो जिथे जिथे जाना चाहते हो। किसी ने अपना ठिकाना पंजाब में सोचा, किसी का अहमदाबाद को पहुंच गया, ग्वालियर आ गया, यानी 84 देहातों का इंकलाब तस्वर करो कितना बड़ा इंकलाब है और लोगों को पता नहीं है गैर यकीनी सुख्या क्या कि साढ़े ना केस। मेरी गल सारी तमीद का मकसद ये रे कि यही वजह है कि उस तो बाद बड़े डैम बनाने से पाबंदी की दुनिया में एक तकदीर सोची गई। वर्ल्ड बैंक ने सोचा कि जिस डैम जो सिर्फ लोगों की माशी सरगर्मियों से होने लोगों का कल्चर लोगों की तहजीब लोगों के घर बार सारे तब तो ताराज कर दो ये डैम की पाबंदी ला दो। संघी ने इस उत्ते उमर असर खान ने बहुत काम किया और उस तो बाद एक सोच ये सामने आई कि छोटे डैमों का आगाज किया जाए जिसमें इतनी बड़िया बड़िया आबादियां इंतरा ना हो कि लोग शार्प हो जुड़ते हैं और लोग बिल्कुल डिप्रेस हो जुड़ते हैं। उस तो बाद ये होया कि तुम देखो कि वो लोग 74 तो लैके तकरीबन आज के दिन तक अब हूँ तो सैटलमेंट सामने आ गई है, बड़िया बड़िया कर्मियां सामने आईया, लोग मुख्तलिफ शहर की तरफ चले गए, उसमें उन्होंने सकाफती सरगर्मियां कबड्डी उन्होंने मेले उन्होंने बहुत बेरोए तनावर की गत्केबाजी की फिल्म है इस किस्म की एक्टिविटीज खलाबट पे तरबेरे पे द्रगड़ी पे ये सारे जो इलाके 84 जात पे हर जगह बहुत ये चीज़ा देखने मिली हैं। इस तो बाद एक दूसरा मसला दरपेश होया जो तरबेरा डैम पूरे पाकिस्तान में बिजली दे रहा है और वाइट साडा बिजली का सोर्स बन गया रोशनी का। इसके अंदर तुम देखो कि कितनी बड़ी कितने बड़े दर्जे की कुर्बानी दी गई। इस वक्त अगर मुल्क और कौम से कुर्बानियां देने का बहुत बड़े एजाजात उसे जुड़ते हैं तो इस गल बड़ी वाजिब है कि तरबेरा डैम के लोग जो मुतासरी ने तरबेरा डैम
वो सब तो बड़े एजाज ने उसते मेरे सामने फिगर ने जो ताजा तरीन ने यानी 11 मार्च के फिगर ने 11 मार्च में दसाया गया कि बिजली का खालस मुनाफा 6 अरब से बढ़ाकर 18 अरब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को पन बिजली के खालस मुनाफे से 101 अरब रुपए बकायदात अदा करेगी। 101 अरब साड़ी मरकजी हुकूमत साड़ी सूबाई हुकूमत 101 अरब देने के इल्जामा लो चुका। इब्तदाई तौर पर वफाकी हुकूमत 50 अरब अदा करने को तैयार थी मगर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा राजी ना हो गए। इसके बाद फरीकैन 88 अरब के मुत्तफिक हो गए। इस तरबेला डैम ने देखो कितना बड़ा इंकलाब बर्पा किया। थोड़ी सारी माशी सरगर्मियां का मरकज मेहर तरबेला डैम बन गया और इस वक्त साड़ी सूबाई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत टोटली इसका रिसोर्स यही है। सारे बजट का सारी तरक्याती सरगर्मियां की आमदन जी तरबेला डैम की रॉयल्टी और तरबेला डैम के बकाए जात खैबर पख्तूनख्वा आवाम वाली साल के दौरान पन बिजली के बकाए जात की मदद में 25 अरब रुपए जबकि आयदा 3 साल के दौरान 15 अरब रुपए सालाना किस्तों में वसूल करेगी। और सूरत हाल ये है कि तरबेला डैम पे अल्लाह ताला के फजल नाल इतनी बहादुर कौम आईया इतने बहादुर लोग हैं कि इन्होंने जबरदस्त कुर्बानी दी थी और उस तो बाद कई साल तक आखिर ऐसा प्लाट दो साड़ियाँ लाटा दो इसके मुतबादल जमीन दो क्योंकि लोगों के अंदर शोर की सब कमी है। उस वक्त वो अपने जमीन के बदले में जमीन नहीं कर सके और अपने जो कुछ मुतबादल चीज़ा या होती नहीं हासिल कर सके। सिंध के अंदर जितनी जमीन दी गई उसके अंदर यह होया कि सिंध सिरिया ने उन्होंने जमीन से कोई कब्जा नहीं दिता। वापटा अथॉरिटी ने 110 लोगों जो सिंध पर अलाटा दीतियाँ वह अलाटा लोग वसूल नहीं कर सकते। सिर्फ पंजाब के लोगों अलाटा मिली और वह अलाटा आबाद हुई। इस तरह लोग अपनी जमीन के बदले में जमीन तो भी मारूम रह गए और कम अज कम 30-40% लोग प्लाटा तो भी मारूम रह गए। लेकिन अज उस रायल्टी का नतीजा यह निकला है कि साडा सूबा बेहतरीन खुशहाली की मंजिल की तरफ चला गया। साढ़े सूबे में जितनी माशी सरगर्मियां ने वो तरबेला डैम की रायल्टी की वजह नाल ने और अज जरा हजारा इनको बोर्ड का एक बेहतरीन इजलास हो रहा है दो रोजा कॉन्फ्रेंस हो रही है। असं ये समझने कि रायल्टी जी है जिला हरिपुर का बहुत बड़ा हक है। इस पे कुछ ऐसी अच्छी परसेंटेज करनी मिले कि जिस पे जिला दी डेवलपमेंट लिए इस रायल्टी की रकम ना तेजी ना हो सके। मुतासिर ने तरबेला डैम कह दिता गया सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पानी का बिल माफ कर दिया गया। कोई बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप का इजरा नहीं किया गया। कोई बैतुल माल की रकम मखसूस नहीं की गई। कोई जो उ गरीब लोग उन्होंने कोई मखसूस फंड नहीं। असं ये समझने कि तरबेला डैम की रायल्टी की इतनी मुनसफाना तकसीम की जुड़े कि जिस पे मुतासिर ने तरबेला डैम भी बेहतरीन उन्होंने दाता जुड़े जिस तरह 23 मार्च तमगे दिए गए हैं और उन्होंने लोगों की एक हिस्ट्री बयान की गई है कि इसने एयरपोर्ट के दौरान हमले में कौन की जान बचाई है इसने ये किया इसने वो किया बहुत सारे उस पर जो असं समझे कि तरबेला डैम के लोग भी इस कदम के हकदार ने कि ना तमगे दिए जाओ क्योंकि अब सारी माशी सरगर्मियां तरबेला डैम की रायल्टी की बुनियाद पर चल रही हैं और असी इस फोरम में चूँ के अच्छा एक हजारा बोर्ड का फोरम है। ये बहुत सारे काम रिफाई तौर पर भी करते हैं अदीबा की उस अफजाई हो रही है शायरों की हो रही है। असं समझने कि अगर इस रायल्टी के चो सकाफती सरगर्मियां से भी रखा जाए 1% 2% तो कोई अजीब गल नहीं कौम उन्होंने ही तरक्की की है जिन्होंने अदब में खदमत की है जिन्होंने इलम में इजाफे की कोशिश की है। तो मेरी चूंकि इस गुफ्तगू तरबेला डैम का ज्यादा जिक्र आ गया लेकिन उसका जिक्र जरूरी है जो रायल्टी ना जुड़े है। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस शेर न करना वो अजीम लोग वो काफले जो ना रुक सके ना भटक सके जो वतन बनाकर चले गए जो चमन सजाकर चले गए हमें याद है हमें याद है हम इंशाल्लाह उनको हमेशा याद रखेंगे।